बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत अभी तक भी यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंद सा ही हो गया है। और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इन लोगों के अलावा इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है। और इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बड़ा है, जिससे हमारे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अपने देश के अभी तक भी यहाँ काफी ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। किंतु इस मामले में अति दुख की बात यह है कि इसे भी अब बीजेपी के लोग इस चुनाव में किसी न किसी रूप में इसे भुनाने में ही लगे हैं। ऐसे हालातों में अब आप लोगों को इस चुनाव में कांग्रेस बीजेपी व अन्य और विरोधी पार्टियों को भी या किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता में आसीन नहीं होने देना है, जिनको आप लोग काफी आजमा भी चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए अब यहाँ सभी विरोधी पार्टियाँ किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके ज्यादातर हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद अधिकांश दरकिनारी कर देती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का ज्यादातर विश्वास ही उठता चला जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और इस संदर्भ में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में या केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनकी अब ये अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही ज्यादातर खोखले ही साबित हुए हैं। और इस मामले में इनका विशेषकर
देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का ये वायदा भी अब यहाँ पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक सा ही बन के रह गया है। इसके साथ ही इस पार्टी का सबका साथ व सबका विकास की भी कही गई ये बात भी अब केवल यहाँ एक जुमलेबाजी ही बनकर रह गई है। मेरा जौनपुर जिले के लोगों से ये कहना है, आप लोगों से ये कहना है कि जब आपके जिले में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आते हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो आप उनसे बात यही करो कि आप वोट की बात बाद में करो, पहले पिछले 5 वर्षों का आप अपने चुनावी वायदों का हिसाब दो, ये आपको उनसे पूछना चाहिए। मेरे ख्याल जब आप उनसे ये सवाल पूछोगे तो मेरे ख्याल वो जल्दी से फिर आपके बीच में वो वोट मांगने की हिम्मत अपनी नहीं जुटा पाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। इस पार्टी ने देश के खासकर अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की ये जो बात कही है तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संबंध में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी पूरी व्यवस्था करेगी। इस प्रकार बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे अनेक और किए गए इनके प्रलोभन भरे चुनावी वायदों के बहकावे में भी यहाँ थी गरीब। 100 वर्षों का इतिहास हमें बनाता है खास। पन्नालाल महेश चंद ज्वेलर्स, पुरानी अली कोठी, नया गंज चौराहा, कानपुर। शुभ